दोस्तों, अगर आज की वीडियो में बताई गई बात को आप समझ गए तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2 मिनट निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आज आपकी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, एक ऐसी घटना जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। 1983 में भारत ने क्रिकेट में वेस्ट इंडीज को हराया और वर्ल्ड कप जीत लिया। इससे पहले वेस्ट इंडीज 1974 और 1989 का वर्ल्ड कप जीत चुका था। वेस्ट इंडीज के कप्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजी थी, जिसके दम पर वो 20 साल से क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 टीम थे। जब भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया तो वेस्ट इंडीज कप्तान को काफी गुस्सा आया कि भारत ने तुक्के में वर्ल्ड कप जीत लिया है। और गुस्से में आकर वेस्ट इंडीज के कप्तान ने क्रिकेट बोर्ड वालों से कहा कि हम भारत के साथ टेस्ट मैच और वनडे मैच खेलना चाहते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज को अनुमति दे दी और वेस्ट इंडीज की टीम भारत खेलने आ गई। भारत आते ही वनडे मैच शुरू हुए और वेस्ट इंडीज ने लगातार भारत को 6 मैच हरा दिए। वेस्ट इंडीज ने भारत आकर भारतीय क्रिकेट टीम को बता दिया कि तुम वर्ल्ड कप तुक्के से जीते हो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम वेस्ट इंडीज को हरा पाओ। 6 वनडे मैच खेलने के बाद अब 6 टेस्ट मैच होने बाकी थे। पहला टेस्ट मैच हुआ जिसमें फिर से भारत हार गया। सभी जगह भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बेइज्जती हुई। दूसरे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले पूरी भारतीय क्रिकेट टीम बैठी और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बुलाए गए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने सुनील गावस्कर से कहा, अगर आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज टीम का मैकलम मार्शल दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है, तो एक बात याद रखो, तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हो। जाओ और अभी इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करो। सुनील गावस्कर के अंदर उस मनोवैज्ञानिक ने एक जुनून की आग लगा दी। दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ और मैकलम मार्शल की 6 गेंदों में 4 गेंदों पर सुनील गावस्कर ने 4 चौके मारे। उस मैच में सुनील गावस्कर ने शतक बनाए। मैकलम मार्शल ने अपने इंटरव्यू में बताया, जैसे ही सुनील गावस्कर ने मेरे पहले ओवर में 4 चौके मुझे मार दिए तो मुझे समझ आ गया कि इसके बाद भारत टीम का इतिहास बदल जाएगा। इस छोटे से किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी आप सोच रखते हैं वैसे आप बन जाते हैं। यदि आप खुद को कमज़ोर मानते हो, यकीनन आप और कमज़ोर बनते चले जाओगे। और यदि आप खुद को ताकतवर मानते हो तो आज नहीं तो कल आप ताकतवर बन जाओगे। अपने एटीट्यूड, अपने मन की स्थिति को बदल दो, आपका जीवन बदल जाएगा। उस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने सुनील गावस्कर के मन की स्थिति को बदलकर भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। आज भारतीय क्रिकेट टीम को तुम देख सकते हो। तुम जितनी जिनकी तरह बनना चाहते हो उसे भगवान मत समझो। सिर्फ खुद से एक कमिटमेंट करो कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। जो ये हासिल कर सकता है, मैं वो हासिल कर सकता हूँ। यदि ये सोच आपको जीवन में आ गई तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल का मकसद है आज की यूथ को सही दिशा की ओर ले जाना। अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।